मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अली है, मैं एक पत्रकार भी हूँ और अपने वार्ड का सभासद भी हूँ। इस समय कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ है और सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बार बार अपने हाथ धोएं। उसके अलावा अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। हालांकि मास्क मार्केट में अवेलेबल तो हैं, लेकिन कई जगह पे उसकी किल्लत भी देखने को मिल रही है। जो हमारे गांव, हमारे कस्बे के लोग हैं, उन सबको मास्क जो है आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसी को मास्क अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब तक आपके पास मास्क नहीं है तब तक आप अपने घर पर ही, एक तरीका है उसके ज़रिए मास्क बना सकते हैं जो आपको मार्केट के मास्क की तरह ही काम करेगा। उसके लिए आपको एक रुमाल लेना है और एक टिश्यू पेपर लेना है। उस टिश्यू पेपर को इस रुमाल पर इस तरीके से रख देना है और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। और इस रुमाल की ऐसे एक तह बना लेनी है। तह बनाने के बाद आप उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बांध लेंगे, इसको बांधना है आपको, इसको इस तरीके से आप बांध लेंगे और पकड़ेंगे। और किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाएंगे तो आप इस मास्क को ही लगा के जाएंगे, जिससे कि हम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। उसके अलावा कुछ सरफेस ऐसी होती हैं जिस पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो उसको लिए, उसके लिए आपको करना ये है कि आपके घर पे, सभी के घर पे एक पेन होता है, उस पेन को आप ले लेंगे और उसकी निब को निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और जैसे आपका घर का बल्ब का बटन है, आपके पंखे का बटन है, आपकी डोरबेल है, अगर आप कहीं पर जाते हैं उसको बजाना है तो आप इस पिन का ही इस्तेमाल करेंगे। इस और उसके बाद इसको ऐसे करके बंद कर लेंगे और अपनी जेब में लगा लेंगे, जो आपके पास हर वक्त मौजूद रहेगा। उसके साथ साथ ये है कि जो आप रुमाल, जो आप इसमें ये टिश्यू पेपर लगाएंगे, इसको 5-6 घंटे के बाद निकाल के फेंक देंगे और दूसरा टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लेंगे। इसको स्लाइस करना भी आसान होता है, पेन को भी आप आराम से स्लाइस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना, अपने परिवार का, अपने देशवासियों का कोरोना जैसी संक्रमण की बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।